सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्क्रिप्ट पे मैंने भारतीय एयरटेल स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 453 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 451.40 है, स्टॉप लॉस आपको 447 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 459 एंड सेकेंड टारगेट 465 पे रखना है। दोस्तों, एक प्रिंट मिस्टेक है तो मैंने ये सेल को बाय पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 456 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 454.95 है, स्टॉप लॉस आपको 450 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 462 एंड सेकेंड टारगेट 468 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट वन के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट टू पे मैंने टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 421 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 419.50 है, स्टॉप लॉस आपको 417 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 425 एंड सेकेंड टारगेट 429 पे रखना है। अगर आप टाटा स्टील का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 423 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 421.90 है, स्टॉप लॉस आपको 419 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 427 एंड सेकेंड टारगेट 431 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट टू के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने हिंडाल को स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 201 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 199.25 है, स्टॉप लॉस आपको 199 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 203 एंड सेकेंड टारगेट 205 पे रखना है। अगर आप हिंडालको का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 201 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 199.20 है, स्टॉप लॉस आपको 199 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 203 एंड सेकेंड टारगेट 205 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट थ्री के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने ग्रासिम स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 825 पे आप बाइंग का पोजिशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 822.90 है, स्टॉप लॉस आपको 818 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 832 एंड सेकेंड टारगेट 839 पे रखना है। अगर आप ग्रासिम स्टॉक का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 824 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 822 है, स्टॉप लॉस आपको 817 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 831 एंड सेकेंड टारगेट 838 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने JSW स्टील स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 261 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 260.15 है, स्टॉप लॉस आपको 258 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 264 एंड सेकेंड टारगेट 267 पे रखना है। अगर आप JSW स्टील का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 261 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो।
इसकी करंट मार्केट प्राइस 260.15 है। स्टॉप लॉस आपको 258 पे रखना है। फर्स्ट टारगेट 264 एंड सेकेंड टारगेट 267 लेवल पे रखना है। दोस्तों ये था ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये पांचों स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बाइंग करने के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट करने वाले हैं, उनका स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री प्राइस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर पे अगर आप बाइंग करना चाहते हो 12,110 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। दोस्तों इसकी करंट मार्केट प्राइस 12,102.75 पे है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा 12,110 लेवल पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 12,080 पे रखना है। फर्स्ट टारगेट 12,140 एंड सेकेंड टारगेट 12,170 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी फ्यूचर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानने से पहले निफ्टी फ्यूचर के ऊपर मैंने एक सेफ हेजिंग का स्ट्रैटेजी बताया है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है, और ये सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से हमको महीना में 10-15% के आसपास आराम से रिटर्न मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने लाइव मार्केट में कंटिन्यूअसली 7-8 मंथ से ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों जिन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को लिए हैं और ये स्ट्रैटेजी को यूज करके लाइव मार्केट में खुद ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ये 7-8 मंथ से मैंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी सारे ट्रेडिंग किया है उसका रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने हर दिन इसी कम्युनिटी टैब के अंदर इसका रिजल्ट को शेयर कर रहा हूँ, और अभी कुछ दिनों से ये वीडियो के माध्यम से, ये जो लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो है इसके माध्यम से भी रिजल्ट शेयर करने लगा हूँ। तो देखिए दोस्तों आज का जो ट्रेडिंग था, आज का ट्रेडिंग पे 3,247.50 के आसपास प्रॉफिट आया है, ये भी एक ही लॉट निफ्टी के ऊपर। दोस्तों अगर आप ये वीडियो को नहीं देखे हो तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये सारे रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली ये स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए हमको 1,00,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये 1,00,000 इन्वेस्टमेंट पे मे मंथ पे स्ट्रैटेजी 18% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया था, और जून मंथ पे 17.80 मतलब ये लगभग 18% के आसपास रिटर्न दिया, और जुलाई मंथ पे मार्केट साइडवाइज था फिर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 13.04% के आसपास प्रॉफिट आया था, और अगस्त मंथ पे 16.30% का रिटर्न मिला। सितंबर मंथ पे 14.57% का रिटर्न दिया था, और अक्टूबर मंथ पे फर्स्ट टाइम ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से लॉस आया था, जो भी बहुत छोटा लॉस है जो कि 5% के आसपास आया था। और दोस्तों अभी नवंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है, तो देखिए दोस्तों नवंबर मंथ पे अगर आप ये सारे प्रॉफिट या लॉस को देखोगे तो देखिए दोस्तों जो प्रॉफिट आया मैंने उसको ग्रीन कलर पे, और जो लॉस आया उसको रेड कलर पे मेंशन करके रखा है। तो अगर आप ये सारे प्रॉफिट या लॉस को मिलाओगे तो देखिए नेट नेट अभी 10,181 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट 10% से भी ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है, और ये सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से अगर आप ट्रेड करोगे आपको ये स्ट्रैटेजी महीना में 10-15% के आसपास रिटर्न आराम से दे देगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको हर मंथ एक डिसेंट इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। दोस्तों अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, और ये चैनल 8 के अंदर मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, तो ये व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 31,584.60 है। अगर आपको इस पे बाइंग का पोजीशन बनाना है, जो भी बैंक निफ्टी फ्यूचर इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा 31,600 के आसपास आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 31,500 के आसपास रखना है। फर्स्ट टारगेट 31,700 एंड सेकेंड टारगेट 31,800 के आसपास रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।